आज मैं बी सिंपल एज लाइफ में लेकर आई हूँ कॉर्न का सैलड, जो कि खाने में टेस्टी है और हेल्थ के लिए हेल्दी भी होता है। तो आइए स्टार्ट करते अपना वीडियो। सैलड को बनाने के लिए हमें कॉर्न तो चाहिए हैं, साथ में मैंने यहाँ पर डाले हैं टमाटो, शलगम डाला है, शलगम हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और मैंने खीरे का यूज़ किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई को चढ़ाएंगे, उसमें पानी लेंगे और हम सब्जियों को बॉईल कर लेंगे, जिसमें हमें बॉईल करना है कॉर्न, इसके अलावा हमें कैरेट बॉईल करना है और हरी मटर को बॉईल करना है। एक दो खोल लगने के बाद इनको फिर हम निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा तक नहीं पकाना है, अदरवाइज़ जो ये वेजिटेबल्स हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब पक जाएंगी, ये बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं अच्छी लगती, तो एक दो खोल लगाइए बस। इसमें हम डालेंगे मेयोनीज़ और दही भी। सैलड में अगर हम मेयोनीज़ डालते हैं तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर जो लोग क्रीम नहीं पसंद करते तो यहाँ पर दो चम्मच दही भी डाल सकते हैं, दही से भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, इन्हेंस होकर आता है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लिया है, अब इसमें हमें डालना है खीरे, हम डालेंगे टमाटो डालेंगे और जो शलगम है वो भी इसमें मिक्स कर देंगे और इस सैलड को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे दो स्पून मेयोनीज़। और यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, इस तरीके की वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। बस अब इसमें दो चम्मच ऐड करेंगे मेयोनीज़ और टू स्पूंस हम ऐड करेंगे दही। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम जो सॉल्ट है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिए, और पेपर डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, इससे जो इसका टेस्ट है और अच्छा आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा जो सैलड है, क्रीमी सैलड, वो खाने के लिए रेडी है। खाइए, आप खुद दूसरों को खिलाइए। इससे पहले भी मैंने ब्रोकली का सैलड बनाया है, जो कि मैंने पोस्ट किया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको चेक करना ना भूलिएगा।